How is the Josh? Hi, sir. How is the Josh? Hi, sir. I said, how is the Josh? Hi, sir. जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज हम पाइथागोरस थ्योरम के दो प्रूफ करेंगे, एक थ्री लाइन में और एक थ्री स्टेप में। ये थ्री लाइन वाला जो प्रूफ है वो सबके लिए है, सबके लिए प्रूफ है। जो सेवन स्टैंडर्ड टेन सेवन, जिसको थोड़ा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये सब पता है, बेसिक चीज पता है, वो सबके लिए ये प्रूफ होगा पाइथागोरस थ्योरम का। ये जो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है वो स्टैंडर्ड टेन के स्टूडेंट और उससे ज्यादा के स्टूडेंट। क्यों मैंने ये प्रूफ लिया है, क्योंकि मेरा चैनल जो इसमें मैं स्टैंडर्ड टेन के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं ये दो प्रूफ ले रहा हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट्स ये जो वीडियो दिख रहा है, अगर आप स्टैंडर्ड टेंथ के और उससे ज़्यादा के, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों के दोनों प्रूफ ज़रूर देखें, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। और अगर आप स्टैंडर्ड टेंथ के नहीं है, आप नाइन के, एट के और उससे नीचे के, तो आप ये वाला प्रूफ देख के वीडियो बंद कर सकते। सो दोस्तों, आप शुरू करते हैं हमारा पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ सिर्फ तीन लाइन में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे टाइप का वीडियोज देखने हैं, बिल्कुल मत सोचो, सीधा नीचे जाओ, हमारे रेड बटन को क्लिक करो, हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद में बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को ग्रो करने में आप जरूर मदद कर सकते हैं हमको सब्सक्राइब करके। सो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। क्या करना है पहले तो हमारे पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट क्या है? मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं इसका जनरल लिख रहा हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, मान लो इसकी लेंथ x है, इसकी लेंथ y है, इसकी लेंथ z है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। अब हम इसको प्रूव करना है, अब इसको प्रूव करेंगे सिर्फ तीन लाइन में, ठीक हो? अब मेरे साथ आप ध्यान से देखें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से एक आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है? इस लाइन को मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक कट मारा, दो हिस्सों में बट गया, ये एक्स लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो उसको मैं एक्स मार रहा हूँ, इसकी लेंथ को मैं y बन रहा। अब इस पूरी लाइन का लेंथ क्या होगा, x प्लस y होगा, ठीक है? दोस्तों, इस प्रूफ को दिखाने से पहले तीन चीज हमको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो क्या है, x स्क्वायर। हमको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल वो क्या है, हाफ बेस ऑल्टीट्यूड, ठीक है? और हमको तीसरी चीज पता है क्या है, x प्लस y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये तीन चीज हमको पता होनी चाहिए इस प्रूफ को देखने पहले, हमको पता ही है क्योंकि ये। अब हम इसको सिर्फ तीन लाइन में प्रूव करेंगे। पहले क्या करना है कि कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है? अब इस लाइन को मैं एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कैसे करूँगा कि ये हमारा ये वाई एक्स, ठीक है? ये वाई, ये एक्स, ठीक है? ये एक्स और ये वाई, ठीक है? सारा x प्लस वाई सारे साइड की लेंथ क्या है, x प्लस वाई है, तो स्क्वायर होगा ये बट नेचुरली, ठीक है? सारे एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है? अब क्या करना है कि ये जो हम चार पॉइंट्स बन रहे हैं हमारे, ये थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ठीक है? x, ये जो चार पॉइंट्स है हम इसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ से यहाँ किया, यहाँ से यहाँ किया, यहाँ से, बस ये हमको ड्रॉ करना था। इसके बाद सिर्फ तीन लाइन में मैं प्रूव कर लूंगा, ठीक है? अब हमको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये हमारा जो बड़ा वाला स्क्वायर है, ठीक है? एरिया बड़ा वाला स्क्वायर की लेंथ क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो इस बड़ा वाला स्क्वायर का पूरा एरिया क्या होगा, एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर होगा, एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब आप देख सकते हैं कि ये चार राइट एंगल ट्राइंगल बने हैं, ठीक है? और ये मिडल में एक स्क्वायर बना है। अब इसकी जो लेंथ है, स्क्वायर की जो लेंथ है वो, इसको मान लेते हैं कि वो z, ये z, 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 ठीक है? अब ये छोटा वाला स्क्वायर जिसकी लेंथ z है, उसका एरिया क्या होगा, z स्क्वायर होगा प्लस 4 इंटू, क्योंकि हमारा 4 राइट एंगल ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का हमारा एरिया क्या है, हाफ, हमारा बेस है y, हमारा एल्टीट्यूड है x, ठीक है? अब हमारा ये पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप, इसको अपन ओपन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस या टू वन जा, ये टू टू जा टू एक्स वाई, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, टू एक्स वाई कैंसल। थर्ड स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बिल्कुल हमारा क्लिकबेट नहीं था, आपके सामने, आंखों के सामने सिर्फ तीन लाइन में मैंने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर लिया। अब हम थ्री स्टेप वाला प्रूव करेंगे, जो स्टैंडर्ड टेन के स्टूडेंट के लिए स्पेशली, और उसके हायर के लिए भी
है जो जिसको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट पता है। तो अगर आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट पता है तो आप वो नेक्स्ट प्रूफ भी देख सकते हैं, जिससे आपको ये पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ठीक आगे बढ़ो। तो फ्रेंड्स ये जो प्रूफ है वो स्पेशली स्टैंडर्ड 10 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मेरा चैनल में जो वीडियोस बना तो वो स्टैंडर्ड 10 के रिलेटेड ही है। अगर आप स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट हैं तो आप तो सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। तो फटाफट से आते हैं हमारे पहले स्टेप पे। पहले स्टेप पे हमको क्या गिवन है? राइट एंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमको गिवन है। हमको प्रूव क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ड्रॉ कर लेते हैं पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ए बी सी। ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट, एक कंस्ट्रक्ट करना है हमको। टू कंस्ट्रक्ट क्या करना है कि बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये हमारा स्टेप वन। हमको गिवन क्या है, हमको प्रूव क्या करना है, और स्टेप वन में हमको क्या हम करना है कि कंस्ट्रक्ट करना है बी डी पैरेलल टू ए सी। ठीक है, तो हमारे फटाफट से अब स्टेप टू पे आते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये स्टेप टू है, क्या करना है? पहले फिर से हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा ए बी सी हमने कंस्ट्रक्ट किया था, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब क्या करते हैं? ठीक है, बहुत इजी है। पहले हमको क्या करना है, अब ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उससे क्या हुआ कि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, ये दो ट्राइंगल में बन गया, छोटे छोटे ट्राइंगल, ये ए डी बी और बी डी सी। तो स्टूडेंट्स अब हमको क्या करना है, नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल और पूरा हमारा ट्राइंगल। अब ये वाला ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये होगा ए डी बी। अब हम ये जो हमारा छोटा वाला ट्राइंगल है ये बड़े वाले ए बी सी से के साथ सिमिलैरिटी उसको प्रूव करना है, मतलब ये ट्राइंगल ये पूरे ट्राइंगल्स के साथ सिमिलर सिमिलर है, ये हमको प्रूव करना है। अब इससे अब सिमिलर प्रूव करने के लिए मैंने अलग अलग ये ड्रॉ किया, अब ए बी सी को भी ड्रॉ करते हैं। ए बी सी को ड्रॉ करने से पहले हम क्या करते हैं कि समझ लो कि ये हमारा ट्राइंगल है और ए और बी से मैंने पकड़ा, ठीक है, ए और बी से मैंने पकड़ा और मैंने ऐसे घुमाया, ठीक है, पकड़ा और ऐसे घुमाया, तो हमारे सी ऊपर चला गया, ए वही के भी रहा है और बी यहाँ पे आ गया, ए बी सी ऐसा होगा। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं वही सेम, ये होगा ए बी सी। अब ये ड्रोन ट्राइंगल में सिमिलैरिटी प्रूव करना है, बहुत इजी हो जाएगा। अब आप देख ही सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, क्यू कॉमन है दोनों में, कॉमन है ना, ये ए पढ़ के मैंने ऐसे किया तो ये तो आके वही के वही रहा, ठीक है, तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, दूसरा क्या होगा हमारा, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री है, बाय ए ए सिमिलैरिटी, बाय ए ए सिमिलैरिटी क्या होगा भाई, ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, उससे पहले हम क्या लिख सकते हैं भाई, सी पी एस टी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू डी बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अब ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखो ये दोनों को कंपेयर कर क्या हो रहा है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी इंटू ए बी क्या होगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा ए डी इंटू ए सी, ये हमारा वन हो जाएगा। ठीक है, अब सेम ही करना है, अगेन अगेन इन ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ, अब बी डी सी ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा बी डी सी। अब ये पूरे ए बी सी को ड्रॉ करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि अब यहाँ से पकड़ रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ से पकड़ूंगा और ऐसे कर दूंगा, यहाँ से पकड़ूंगा और ऐसे कर दूंगा, तो क्या होगा, देखो ऐसे किया तो बी यहाँ से यहाँ आ गया, सी वही के वही रहा और ए ऊपर चला गया। ठीक है, तो वही सेम ड्रॉ कर लेते हैं, बी वही यहाँ के यहाँ रहा, सी भी वही के वही रहा, ए हमारा ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, आप देख ही सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू कॉमन, दोनों में कॉमन है।
ठीक है, हमारा दूसरा क्या होगा, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय ए ए सिमिलरिटी, सेम करना है बाय ए ए सिमिलरिटी वी कैन से दैट ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अब ये दोनों ट्राइंगल सिंगल सेम ऐसा ही करेंगे, देयरफॉर बाय सीपीएसटी क्या बोल सकते हैं कि बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। अब ये दोनों को कंपेयर करते, देखो यहाँ पे हमने ये दोनों को कंपेयर किया, अब यहाँ पे मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बी सी इंटू बी सी हो रहा है। देखो बी सी इंटू बी सी क्या होता है, बी सी स्क्वायर, और हमको ए बी स्क्वायर भी चाहिए, हमको बी सी स्क्वायर भी चाहिए, हमको जो टू प्रूव है, क्या करना है हमको प्रूव के ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो हमको ए बी स्क्वायर मिल गया, यहाँ से बी सी स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ए सी इंटू डी सी आ गया, हमारा टू हो जाएगा। ये हमारा स्टेप टू कम्प्लीट हो गया, अब हम स्टेप थ्री पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रूफ का लास्ट एंड फाइनल स्टेप स्टेप थ्री पे आ गए हम, यहाँ पे ये हमारा रिजल्ट वन रिजल्ट टू बाय वन एंड टू, वन एंड टू को मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, एडिंग एड वन एंड टू, वन एंड टू को एड करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि हमको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस इक्वेशन वन से इक्वेशन टू से बी सी स्क्वायर, इक्वेशन वन से ए डी इंटू ए सी, इक्वेशन टू से प्लस ए सी इंटू डी सी, ठीक है। ए सी हमारा कॉमन आ रहा है, ए सी कॉमन ले लिया मैंने, ए डी प्लस डी सी, अब ए डी प्लस डी सी ए सी हो रहा है, ठीक है, तो ए सी इंटू ए सी हो जाएगा, ये ए डी हमारा और ये डी सी, ये दोनों को प्लस करेंगे तो ए सी, ए सी स्क्वायर, देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये हमारा इस थ्योरम का सेकंड प्रूफ हो गया, पहले थ्री लाइन वाला और ये थ्री स्टेप वाला। ये थ्री स्टेप वाला स्पेशल स्टैंडर्ड 10 के स्टूडेंट के लिए, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार मार्क के लिए पूछते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने इसको प्रूफ को बहुत इजी बनाने के लिए तीन स्टेप में करना, पहले स्टेप में हमको क्या करना है कंस्ट्रक्शन करना है, दूसरे स्टेप में ये जो दो छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं उसको बड़े ट्राइंगल से सिमिलर प्रूव करना है, थर्ड स्टेप में जो हमको सिमिलर प्रूव करके जो रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट को एड करेंगे, हमारा प्रूफ आ जाएगा, हेंस रूल। सो स्टूडेंट्स, सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ये वीडियो सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको पाइथागोरस थ्योरम को सिर्फ तीन लाइन में प्रूव करना है, और हमारे चैनल को जरूर जरूर अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दबा के सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए पाइथागोरस थ्योरम के वीडियो के लिए मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा या उसको थैंक्स बोलना चाहूँगा, एक वीडियो है यूट्यूब पे, मैं पाइथागोरस थ्योरम एक्सप्लेन्ड मैथ मैजिक विथ बावा, ये एक वीडियो है, द आर्ट ऑफ लिविंग यूथ के चैनल पे अपलोड हुआ वीडियो है, इसमें कम से कम 2.3 मिलियन व्यूज़ भी आए हुए हैं, और मैंने जो स्टार्टिंग में थ्री लाइन वाला प्रूफ जो दिखाया वो उस वीडियो से ही मैंने सीखा है, तो उस के लिए मैं उनको एक्नॉलेज करना चाहूँगा, उनको थैंक्स भी बोलना चाहूँगा, और उसके अलावा डियर सर को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, मोहित सर लेक्चर को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, और एडी वो को के चैनल को जिसमें पाइथागोरस थ्योरम एक्सप्लेन किया उसको भी मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा, उसको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, इस उनके सारे वीडियो को मैंने मिला के ही ये एक अच्छा वीडियो मैं बना पाया हूँ, तो उनको मैं ज़रूर थैंक्स बोलना चाहूँगा।